कहा है कि इंडिया और एनडीए का मुकाबला होगा, कहीं आप रहने वाले नहीं हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ये कहते रही कि लालू जी एक पंजीकृत अपराधी हैं, तो जिसको जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरह नोटिफाइड कर दिया हो कि ये अपराधी हैं, तो उनके बयान पर क्या जवाब देना है। अब वैसे लालू जी को इतिहास याद रखना चाहिए कि 2005 हारे, 2005 हारे, 2009 हारे, 2010 हारे, 2014 हारे, 2019 हारे, 2020 हारे, अब कितना हारिएगा लालू जी, आराम कीजिए। आपने 2015 छोड़ दिया और आपने कहा था कि लालू यादव से ही हमारी मुकाबला होगा, नीतीश कुमार कहीं रेस में नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी का थोड़ा बचा हुआ इमेज था, 2015 जीत गए थे, अब कुछ नहीं बचा है। बिहार में सुशासन समाप्त, बिहार का विकास समाप्त, बिहार में अराजकता की स्थिति, बिहार में लूट, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और एक दिन भी सरकार चलाने की स्थिति नीतीश कुमार जी की नहीं है। और मैंने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति के लिए हानिकारक है, और इसलिए कहा कि आप कटिहार देखिए, वहां बिजली मांगा तो गोली मारा, पटना में लोगों ने नौकरी मांगा तो लाठी चलाया, तब नीतीश बाबू तानाशाह की बोली बोल रहे हैं, जो मुगल बोलते थे अंग्रेज बोलते थे, और अंग्रेज की नीयत हो गई है नीतीश बाबू का। जनरल डायर वाला कहानी सही है कि नीतीश कुमार जी अब कुछ नहीं है, सत्ता चलाने के लिए किसी पे लाठी चला सकते हैं, किसी पे गोली चला सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए, सुशील मोदी आरोप लग रहा है आप पे जी, धार्मिक उन्माद फैला रही है बीजेपी, ये आरोप लग रहा है आप पे। देखिए, सत्ता में वो बैठे हैं, रामनवमी होता है तो हमारे लोगों को जेल भेजते हैं, मुहर्रम होता है हमारे लोगों को जेल भेजते हैं। अरे तुष्टीकरण कब तक करोगे? ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं और तुष्टीकरण से यही उम्मीद करते हैं। आज तो हम निर्णय लेने की स्थिति में अब जाना पड़ेगा कि भाजपा के कार्यकर्ता जब भी कोई त्यौहार होगा, अब हम चिट्ठी निकालेंगे और बताएंगे कि कहां कहां पर खतरा है और क्यों नहीं फोर्स देते हो, और जब फोर्स नहीं देंगे तभी तो दंगा होती है, अराजकता की स्थिति बनती है। हम लोग तो सासाराम और बिहार शरीफ में भी देखा, हम लोगों ने नीतीश कुमार जी ने फोर्स ही अलाउट नहीं किया, और इसके पहले भी रामनवमी हुआ था 2021 में, एक एक जगह फोर्स अलाउट किए गए जहां सेंसिटिव था। तो नीतीश कुमार जी की गलती बिहार के भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर क्यों आएगा? आज पुर्जी में एक बीजेपी नेता को गोली मार दी गई है, 5 गोली लगी है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नीलेश मुखिया के ऊपर गोली चला और अब अराजक हो चुका, माफ कीजिए, हाथ जोड़ते हैं नीतीश बाबू, बिहार को मुक्ति दीजिए। जदयू में वो कह रहे हैं कि सेंसस कब होगा, कि 2011 में हुआ था, 22 खत्म हो गए, 23 आ गए हैं, तो फंसाने वाले यही लोग न थे? नीतीश कुमार जी ने फंसा के रखे हैं, तो नीतीश कुमार जी से पूछिए कि कब तक फंसा के रखेंगे, यही नया नया कहानी सुनाते हैं, तो नया कहानी सुनाने वाले अपनी बात रखें।